हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। तो अभी गाइस, मम्मी का ये अंगूठी आ चुका है और देखिए काफ़ी प्यारा लग रहा है। कमेंट सेक्शन में बताना कैसा है। और ये लो, आ गया तुम्हारा। अब घर के सामने स्ट्रॉबेरीज भी आ गई। और क्या दिए निमाई भैया, यहाँ पे आके बोलो। उसमें हम देंगे नहीं, आपने तेल में पहले क्या दिया? निमाई भैया आजकल समझ गए हैं कि मैं यूट्यूबर हो गया हूँ, अपने रेसिपीज शेयर करने से डर रहे हैं। हाँ, मैं उनको बोल रही हूँ कि आप फेमस हो रहे धीरे धीरे, और वो बोल रहे नहीं नहीं मैं और नहीं बोलूँगा, मैं और नहीं बोलूँगा। देखो आप लोग कमेंट बॉक्स में उनको डांटो, ठीक है। तो गाइज, आज क्योंकि मकर संक्रांति है तो हमने सोचा कि हम खिचड़ी बनाते हैं। तो अभी ये खिचड़ी बनना शुरू हो गई। इसमें गरम मसाला दिया, फिर टमाटर दिया, फिर अभी जीरा और जीरा और अदरक का पेस्ट दिया। तो अब इसमें सूखे मसाले सब दे दिए। सम कॉमन कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑक्सीजन, ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स, सल्फेट्स। ऑक्साइड्स में है सैंड, सिलिकेट, SiO2, फिर उसके बाद है हेमेटाइट, एल्यूमिनियम ओर, Al2O3.2H2। उसके बाद है एल्यूमिनियम ओर, बॉक्साइट तो बोल लेना। तो क्या दिए हैं इसमें? पहले तो ऑयल दिए हैं, उसके बाद थोड़ा सा पाँचफोरन, थोड़ा सा पाँच फड़न, अच्छा, दो सूखी मिर्ची, हल्दी, नमक, अच्छा। और अभी इसमें काजू और किशमिश और चीनी, किशमिश दे दिया उन्होंने, काजू, अच्छा। तो निमाई भैया बहुत बेसिक तरीके से इसको बना रहे हैं। वैसे तो अगर मतलब थोड़ा कुछ ओकेजन हो तो आप इसमें बहुत कुछ मिक्स कर सकते हैं। तो ये तो अभी जैसे घर में हम ही लोग खाएंगे, तो ये बहुत बेसिक टमाटर की मीठी चटनी है जो हम लोग बंगाली में बोलते हैं, टोमेटोर चटनी। बॉक्साइट इज एल्युमिनियम, सॉरी, हेमेटाइट आयरन ओर, Fe2O3। हाँ, बॉक्साइट इज एल्युमिनियम ओर विच इज Al2O3.2H2O, फिर जिप्सम कैल्शियम कार्बोनेट विच इज CaCO3। उसके बाद है कार्बोनेट्स, गोविंद भोग चावल से बनती है ये। और ये मूंग दाल की खिचड़ी बनेगी। हाँ, इसको थोड़ा से गरम कढ़ाई में भून लें। अच्छा, तो गरम सूखी कढ़ाई में इसको पहले थोड़ा सा भून लेते हैं और उसके बाद अभी दोनों को मिक्स करके फिर बनाएंगे। अब चावल भी, सॉरी सॉरी, दाल दाल, मेरी कमेंट्री थोड़ी गड़बड़ हो रही है। एक्चुअली मैं भी खाना बनाती थी कभी। नहीं यार, क्या था यार, नो, ये हाल है, देखो अच्छे से पढ़ाई नहीं करने का। मैंने पिया किया है। अच्छा, एक हिंट, अब चावल इसमें दे दिए बस ये 10 मिनट के लिए इसको हम, अच्छा, तो इसको अभी 10 मिनट के लिए पूरी मतलब दोनों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करना होगा इसमें। तो गाइस देखो कितनी अच्छी खिचड़ी बन रही है। मैं इसको खिचड़ी ही बोलूँगी, मैं खिचड़ी बिल्कुल नहीं बोलूँगी, क्योंकि जब मैं छोटी थी और मैं दिल्ली में रहती थी तो वहाँ पे खिचड़ी कब खाते थे? जब पेट खराब होता था। और हमारे बंगाल में खिचड़ी एक डेलिकेसी है। अच्छा, एक हिंट, ऐसे बोलो, एल से शुरू होता है। एल से, एल फॉर लट्टू, एल फॉर लल्लू। एक फ्रेग्रेंस आ रहा है और ये देखो मजेदार खिचड़ी। और आज मौसम भी बहुत वो ठंडा ठंडा है। तो जैसा कि गाइस थोड़ी देर बाद मैं जब आई अब किचन में, देख रही हूँ कि चावल और दाल गल गई है
और इसमें ये सारे वेजिटेबल्स, जो भी सीजनल वेजिटेबल्स है, अभी जैसे फूलगोभी, पत्ता गोभी, गाजर, फिर ये मटर, आलू, सब इसमें दे सकते हो आप। ये खिचड़ी देखो तो लट्टू हो। अब आएगी मिर्ची पकौड़ी, देखो ये देखो मिर्च के पकौड़े तैयार हो गए। अब पापड़ भी बन गई, ये देखो आलू के पकौड़े। और संदीप को ऑफिस में खाना चला गया है, तीन चार जन के लिए आप खाना भेजे हो, है ना, वहाँ पे कुछ स्टाफ है उनको भी हम आज खाना खिला रहे, क्योंकि ये एक्चुअली एक तरह से भोग है मकर संक्रांति का, तो आज ऑफिस में भी सबको खाना मिलेगा। बस पढ़ो फिर से, लो नहीं हुआ है। अच्छा तुम बंद करो कैमरा। ये देखो खाना लग गया, ये खिचड़ी, ये पापड़ भाजा, ये बेगुनी और ये टमाटर की चटनी। तो लट्टू हो।